हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, मेरे पास नीट एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, उन कमेंट्स के जवाब में ये वीडियो बना रहा हूं। मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को नीट में हुए घोटाले के मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि हम यह जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार नीट को ख़त्म क्यों नहीं कर रही। न्यायालय के न्यायाधीशों का ये मानना है कि नीट गरीबों के लिए नहीं है। उनका आगे कहना है कि यह एक अचंभित होने वाली बात है कि वही स्टूडेंट मेडिकल सीट ले पाते हैं जो 5 लाख व इससे अधिक अमाउंट देकर कोचिंग लेते हैं। तो दोस्तों, नीट के इस आर्टिकल पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, नीट से पहले AIPMT हुआ करती थी। नीट एक बार 2013 में संपन्न हुई थी, मगर 2014 व 2015 में फिर से AIPMT करवाई गई। 2015 तक स्टेट अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते थे और तमिलनाडु में तो मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए एडमिशन के लिए कोई एग्जाम भी नहीं लगती थी। सिर्फ 12वीं की मेरिट से ही मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए एडमिशन होता था। दोस्तों, स्टेट द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने पर कई अनियमितताएं सामने आने लगी। प्राइवेट कॉलेज और डिम्ड में तो नाव मात्र की एग्जाम लगती थी, सीटें पहले ही फुल हो जाती थी। इन अनियमितताओं को देखते हुए कुछ स्टेट ने तो AIPMT की मेरिट के बेस पर एडमिशन लेना शुरू कर दिया था। दोस्तों, स्टेट के अलग अलग मेडिकल एग्जाम लगने से स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे थे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री अनिल आर दवे ने यह फैसला दिया कि अभी AIPMT की जगह नीट ही होगी। स्टेट कोई भी MBBS के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। हालांकि उस समय एम्स जिपमर व CMC वेल्यूर को अलग से परीक्षा आयोजित करवाने की अनुमति दे रखी थी। नीट की एग्जाम के लिए काफ़ी सारे स्टेट्स ने अपोज भी किया था। जब हम AIPMT व अलग अलग स्टेट की एग्जाम और नीट में डिफरेंस देखते हैं तो नीट आने से काफ़ी स्टूडेंट को फ़ायदा मिला है, क्योंकि उनको सिर्फ नीट की ही तैयारी करनी होती है, स्टेट की अलग अलग एग्जाम नहीं देनी होती, जिससे एक ही एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाती है। तो दोस्तों, नीट स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद है और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की गई है, तो कैंसिल होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। रही बात पुअर स्टूडेंट की जो कोचिंग नहीं जा सकते, तो दोस्तों नीट के लिए बिना कोचिंग भी अच्छी तैयारी हो सकती है। काफ़ी सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऐसे फ्री चैनल हैं जहाँ पर कोचिंग से भी अच्छी स्टडी होती है और उनसे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी की जाती है और उनमें भी अच्छे सिलेक्शन होते हैं। तो वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि नीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की गई है, यह यथावत ही चलती रहेगी। इस प्रकार के स्टेटमेंट आते रहते हैं, आप इन पर ध्यान न देते हुए अपने स्टडी में ध्यान दें। इसी महीने के लास्ट वीक तक नीट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा और 2 दिसंबर 2019 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 3 मई 2020 को नीट कंडक्ट करवाई जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी नीट की एग्जाम के रिगार्डिंग। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।